सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आगच्छ, अद्य वयं दशमी कक्षायाः प्रथमः पाठस्य सूची पर्यावरणं कवितायाः अभ्यासं कुर्मः। भैया बहनों, आज हम लोग दशमी कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक से प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम नामक कविता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आप इस कविता के शब्दार्थ, संधि विच्छेद, अन्वय, हिंदी अनुवाद के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए भैया बहनों, बिना देर किए कविता को शुरू करते हैं। सूची पर्यावरणम। भैया बहनों, हम लोग पहले प्रस्तावना को समझते हैं। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तित मनः दृश्यते। सः कथयति यत् इदं लोहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति, अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीयजीवनात् सुदूरं नदीनिर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरवकूजितं वनप्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। चलिए आप इस प्रस्तावना को हिंदी में समझते हैं। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल्लतिका से संकलित है। इसमें कवि महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहते हैं कि यह लौह चक्र यानी लोहे का चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मैल हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी झरना, पेड़ों के समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर जाने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। चलिए भैया बहन, अब कविता को, गीत को शुद्ध गायन करते हुए इसके अन्वय, शब्दार्थ और भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। सूचि पर्यावरणम। दूर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं। सूचि पर्यावरणम्। महानगर मध्ये चलदनिशं कालयसचक्रम्। मनः शोषयत्तनुः पेषयत् भ्रमति सदा वक्रम्। दूर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम्। सूचि पर्यावरणम्। इन पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पहले हम लोग जान लेते हैं। पहला है दूर्वहमत्र। इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं आपस में, दूर्वहम और अत्र। दूर्वहम का अर्थ है दुष्करम, हिंदी में इसका अर्थ है कठिन या दुभर। उसके बाद है जीवितम। जीवितम का अर्थ है सरल संस्कृत में जीवनम और हिंदी में जीवन। उसके बाद है अनिशम। देखिए अनिशम कहाँ लिखा हुआ है, अनिशम यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, चलत और अनिशम। चलत अनिशम, चलत अनिशम। तो उसमें अनिशम जो है उसका अर्थ है सरल संस्कृत में आहर निशम और हिंदी में इसका अर्थ है दिन रात। आहर निशम मतलब दिन रात। उसके बाद है कालयस चक्रम।
काला ऐसा चक्रम का सरल संस्कृत में अर्थ है लोहा चक्रम और हिंदी में लोहे का चक्र यानी लोहे का पहिया। उसके बाद मनहा मतलब मन, शोषयत मतलब सुखाते हुए, शोषयत सरल संस्कृत में इसका अर्थ है शुष्की कुर्बत, हिंदी में सुखाते हुए। उसके बाद है तनहु, तनहु का अर्थ है सरल संस्कृत में शरीरम और हिंदी में शरीर। उसके बाद है पेशयत, पेशयत पेशयत का अर्थ है पिष्टी कुर्बत, सरल संस्कृत में पिष्टी कुर्बत और हिंदी में पिसते हुए। उसके बाद है वक्रम, वक्रम का अर्थ सरल संस्कृत में कुटिलम और हिंदी में टेढ़ा। दूरदांते दशनय रमुना, इसमें देखिए दशनय लिखा हुआ, इसमें बीच में दशनय लिखा हुआ है, दूरदांते दशनय अमुना, इसमें तीन शब्द जुड़े हुए हैं, इस जगह पर ध्यान देंगे, इसमें तीन शब्द जुड़े हुए हैं, दूरदांते दशनय अमुना। उसमें दूरदांते का अर्थ होता है भयंकर यानी भयानक से, दूरदांते का अर्थ है भयानक से। दशनय का अर्थ है दांतों से, दंते यानी दांतों से। और अमुना का अर्थ होता है अनेन यानी इससे, अमुना का हिंदी अर्थ इससे। उसके बाद है जनग्रसनम, जनग्रसनम का सरल संस्कृत में अर्थ है जनभक्षणम, हिंदी में इसका अर्थ होगा मानव विनाश। अब इन पंक्तियों के बीच में कुछ संधि वाले शब्द हैं तो उनको हम विच्छेद करके जानेंगे। जैसे पहला हम आपको बता दिए हैं कि इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं दुर्वहम अत्र में, तो दुर्वहम अत्र का संधि विच्छेद हो जाएगा दुर्वहम जोड़ अत्र, दुर्वहम जोड़ अत्र, दुर्वहम मतलब दुष्कर, अत्र मतलब यहाँ। उसके बाद है प्रकृति रेव, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं प्रकृति ही और एव, प्रकृति मतलब प्रकृति, एव मतलब ही। उसके बाद है चलद अनिशम, इसमें भी दो पद जुड़ा हुआ है, चलद अनिशम, चलत जोड़ अनिशम, चलत मतलब चलना, अनिशम मतलब दिन रात। उसके बाद है दूरदांते दशनय रमुना, इसमें तीन पद जुड़े हुए हैं, दूरदांते है दशनय अमुना, दूरदांते मतलब भयंकर से, दशनय मतलब दांतों से, अमुना मतलब इससे, इसमें तीन शब्द जुड़े हुए हैं। उसके बाद है स्यानैव, स्यानैव में भी तीन शब्द जुड़े हुए हैं, स्यात् जड़नो जोड़ एव, स्यात् जड़नो जोड़ एव स्यानैव। अब इन पंक्तियों के हम लोग अन्वय को देखते हैं, मैंने आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार का अन्वय बनाया है। दुर्वहम अत्र, इसमें अत्र शब्द जुड़ा हुआ है, देखिए अत्र, अत्र जीवितम, दुर्वहम जातः प्रकृति एव शरणम, अत्र जीवित दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम, सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम। महानगर मध्य अनिशम, यहाँ पर अनिशम जुड़ा हुआ है, अनिशम चलत काल यश चक्रम, मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। महानगर मध्य अनिशम चलत काल यश चक्रम, मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। अमुना, इसमें देखिए अमुना जुड़ा हुआ है, अमुना दुर्दांते दशनय जनग्रसनम न एव स्यात्, इसका हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार है, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम, कवि कहते हैं कि यहाँ जीवन दुर्भर हो गया है, प्रकृति ही शरण है,
कभी कहते हैं यहाँ यहाँ यानी शहरों में, शहरों में बहुत गाड़ियां चलती हैं जिसके कारण वहाँ बहुत प्रदूषण है, और कभी कहते हैं कि यहाँ जीना मुश्किल हो जा रहा है और वे प्रकृति की शरण में जाना चाहते हैं, और कहते हैं सूची पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो, सूची मतलब शुद्ध। महानगर मध्य अनिशम चलत कालयास चक्रम, मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। कविते कवि कहते हैं कि महानगरों में अनिशम यानी दिन रात, अनिशम यानी दिन रात, चलत मतलब चलता हुआ, कालयास चक्रम यानी लोहे का पहिया, मनः शोषयत यानी मन को सुखाते हुए, तनुः पेशयत यानी शरीर को पीसते हुए, सदा वक्रम भ्रमति यानी हमेशा टेढ़ा घूमता है। अमुना दुर्दान्ते दशने जनग्रसनम न एव स्याद। कभी कहते हैं कि इन भयंकर दांतों से, इन भयंकर दांतों से मतलब जो प्रदूषण रूपी कालयास चक्र यानी लोहे के पहिया के दांतों से मानव जीवन का नाश हो ना हो, जनग्रसनम न एव स्याद, मानव जीवन का नाश न हो। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम याननम पंक्तयो ह्यनन्तः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पहले हम लोग जान लेते हैं। कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम यानी कज्जलेन मलिनम, सरल संस्कृत में कज्जलेन मलिनम, लेकिन इसका हिंदी अर्थ है काजल जैसा मलिन यानी काजल सा काला। धूमम, धूमम का अर्थ है अग्निवाह यानी धुआं। मुंचति, मुंचति का अर्थ है त्यजति यानी छोड़ता है, हिंदी में इसका अर्थ छोड़ता है। शतशकटी यानम, शतशकटी यानम का अर्थ है शकटी यानानाम शतम माने सैकड़ों मोटर गाड़ियां। बाष्प यान माला मतलब वो यान जो बाष्प से चलती हो, तो कौन है रेलगाड़ी। बाष्प यान माला मतलब बाष्प यानानाम पंक्ति यानी रेलगाड़ियों की पंक्ति। संधावती, संधावती मतलब दौड़ते हैं। वितरंती, वितरंती का अर्थ है वितरम कुर्वाणा यानी देती हुई। ध्वानम, ध्वानम का अर्थ होता है ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज, आवाज मतलब कोलाहल। संशरणम, संशरणम का सरल संस्कृत अर्थ है संचलनम, और हिंदी में इसका अर्थ है चलना। अब इन पंक्तियों में क्या संधि विच्छेद है हम लोग उसको जान लेते हैं। इसमें एक ही संधि विच्छेद दिख रहा है, वो है ही अनंतहा, ही जोड़ अनंतहा, इन दो पदों से मिलकर बना है ही जोड़ अनंतहा। अब इसके हम लोग संस्कृत अन्वय को देखते हैं। यहाँ अन्वय कुछ इस प्रकार का बनाया हुआ है, शतशकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, शतशकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, ध्वानम वितरंती बाष्पयानमाला संधावती, ध्वानम वितरंती बाष्पयानमाला संधावती। ही देखिए यहाँ पर ही मिला हुआ, ही अनंताहा, तो इसमें से ही को हम ले लिए पहले, ही यानानाम
अनंतः पंक्तयो संसरणम कठिनम, ही यानानाम अनंतः पंक्तयो संसरणम कठिनम। इसका हिंदी अर्थ है सतसकटी यानम का मतलब होता है सैकड़ों मोटर गाड़ियां। कज्जल मलिनम यानी काजल जैसा मैला, काजल सा मैला यानी काला। धूमम मुंचती यानी धुआं छोड़ती है, यहाँ पर धुआं लिखना छूट गया है भैया बहनों, यहाँ पर धुआं होगा। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मैला यानी काला धुआं छोड़ती है। ध्वानम वितरंती, ध्वानम वितरंती यानी कोलाहल, ध्वानम मतलब कोलाहल, कोलाहल यानी आवाज बिखेरती हुई। बाष्प यानमाला संधावती यानी रेलगाड़ियां की पंक्ति दौड़ती है। ध्वानम वितरंती बाष्प यानमाला संधावती, ध्वनि यानी आवाज, आवाज बिखरती हुई फैलाती हुई रेलगाड़ियों की जो पंक्ति है वो दौड़ती रहती है। ही यानानाम अनंताः पंक्तयो संसरणम कठिनम, सचमुच, ही मतलब सचमुच रियली, वाहनों की अनंत पंक्तियों में, यानानाम अनंताः पंक्तयो वाहनों की अनंत पंक्तियों में संसरणम कठिनम मतलब चलना कठिन है। संसरणम मतलब चलना, कठिनम मतलब कठिन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलम भृशं दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, करणीयं बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम् शुचि पर्यावरणम्। इन पंक्तियों में कुछ नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। भृशम, भृशम का अर्थ होता है अत्यधिकम यानी हिंदी में अत्यधिक। भक्षयम, देखिए यहाँ भक्षयम लिखा हुआ है, भक्षयम यानी खाद्य पदार्थ, हिंदी में भोज्य पदार्थ यानी भोजन। समलम, उसके बाद समलम कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है समलम। समलम का मतलब होता है मलेन युक्तम, उसका हिंदी में अर्थ होगा मल युक्त यानी गंदगी से युक्त। इसमें एक ही संधि विच्छेद नजर आ रहा है, बहिर अंतर जगती, बहिर अंतर जगती, इसमें तीन शब्द जुड़े हुए हैं, बहि अंत जगती, बहिर अंतर जगती, बहि मतलब बाहर, अंत मतलब अंदर, जगती मतलब जगत दुनिया। अब इसका अन्वय को देखते हैं। ही वायुमंडलम भृशम दूषितम न निर्मलम जलम, इस प्रकार कुछ बनाया गया है। देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ही वायुमंडलम भृशम दूषितम न निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, एक कुछ बराबर सा है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद है बहि अंतः जगति तु बहु शुद्धिकरणम करणीयम, ही वायुमंडलम भृशम दूषितम न निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्षम समलम धरातलम, बहि अंतः जगति तु बहु शुद्धिकरणम करणीयम। ये शब्दों को तोड़कर भी कुछ लिखा गया है जो अब लंबे शब्द हैं यहाँ पर। जैसे देखिए कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, यहाँ पर कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम तोड़ दिया गया है, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। यहाँ बहि अंतः जगति देख लिए हैं, वही अंतः जगति, तो लंबे शब्दों को तोड़कर लिखा गया है जो समझने में आसान होगा। अब इसका हिंदी अर्थ को जान लेते हैं। ही वायुमंडलम भृशम दूषितम न निर्मलम जलम, इसका अर्थ है कि सचमुच वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। भृशम दूषितम, भृशम मतलब अत्यधिक, दूषितम मतलब दूषित, न निर्मलम जलम और न ही स्वच्छ जल है, निर्मल मतलब स्वच्छ। कुत्सित वस्तु, कुत्सित मतलब खराब,
जैसे रासायन मतलब रासायनिक चीजें खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं ना, वो कुत्सित चीज है, खराब चीज है। तो कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्षम मतलब खाद्य पदार्थ में, खाना में मिल जाते हैं, चीजों में मिले हुए खाद्य पदार्थ। समलम धरातलम, समलम मतलब गंदगी से युक्त ये धरती सतह को साफ करना जरूरी है। बहि अंतः जगति तु बहु शुद्धिकरण करणीयम्, संसार के अंदर बाहर के बहुत अधिक शुद्ध करना, स्वच्छ करना चाहिए। अंतः वही अंतः जगति तु बहु शुद्धिकरण करणीयम्, माने संसार के अंदर बाहर बहुत अधिक शुद्ध यानी स्वच्छ करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंचित कालम नयमामस्मन्नगरात् बहुदूरम् प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयः पुरम्। एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम् शुचिपर्यावरणम्। इन पंक्तियों में कुछ नए शब्दों को जान लेते हैं। इसका अर्थ ग्रामांते, देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, ग्रामांते। ग्रामांते का अर्थ होता है ग्रामस्य सीमायाम, यानी गांव की सीमा पर। पयः पूरम का अर्थ है जलाशयम, यानी जल से भरा हुआ तालाब। उसके बाद कांतारे, कांतारे का अर्थ है वने यानी जंगल में। इसमें कुछ संधि विच्छेद को समझ लेते हैं। देखिए एक तो लंबा शब्द है माम अस्मान नगरात, माम अस्मान नगरात बहु दूरम। इसमें देखिए माम है, अस्मान है, नगरात है, बहु दूरम है, इनको मिलाकर माम अस्मान नगरात बहुदूरम बनाया गया है। उसके बाद है क्षणम अपि, क्षणम जोड़ अपि। इसका अन्वय को देखिए कुछ इस प्रकार बना हुआ है आसमान नगरात, इसमें देखिए आसमान जुड़ा हुआ है, माम आसमान नगरात, आसमान नगरात माम कंचित कालम बहुदूरम नयम, आसमान नगरात माम कंचित कालम बहुदूरम नयम। ग्रामांते निर्झरम नदी पयः पुरम प्रपश्यामि, ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम प्रपश्यामि। एकांते कांतरे क्षणमपि अपि मे संचरणम स्यात्, जिसका हिंदी अर्थ है हमारे नगरों से मुझे कुछ समय के लिए बहुत दूर ले जाओ। आसमान यानी हमारे नगरात मतलब नगर से, माम मतलब मुझे, कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए, बहु दूरम नया यानी बहुत दूर ले जाओ। ग्रामांते, ग्रामांते मतलब गांव के अंत में यानी गांव की सीमा पर। निर्झर नदी पयः पूरम मतलब जल से भरा हुआ तालाब। प्रपश्यामि मतलब देखता हूं। एकांते मतलब अकेले में। कांतरे मतलब वने वन में, एकांत वन में। क्षणमपि मतलब कुछ पल। संचरम स्यात् मेरा कुछ चलना हो सके, मेरा चलना मेरा भ्रमण करना मेरा घूमना हो सके। कभी कहते हैं कि मुझे शहर से दूर ले जाओ, गांव के किनारे ले जाओ, जहां मैं नदी झरना तालाब देखता हूं और अकेले में, अकेले जंगल में थोड़ा घूम सकूं। इसके आगे देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान में वरणिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। इन पंक्तियों में कुछ नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कुसुमावली ही, इसमें देखिए कुसुमावली लिखा हुआ है। कुसुमावली ही मतलब कुसुमानाम पंक्ति ही यानी फूलों की पंक्ति। समीर चालिता, समीर मतलब हवा, समीर मतलब हवा, चालिता मतलब चलाई हुई यानी बहाई हुई।
समीरा चालिता मतलब वायु चालिता यानी हवा से चलाई हुई। रुचिरम, यहाँ देखिए रुचिरम लिखा हुआ है, रुचिरम यानी सुंदरम यानी सुंदर। अब यहाँ कुछ संधि विच्छेद है तो देख लेते हैं। श्यान में, इसमें सात और मे से जुड़कर बना है श्यान में। अब इसका अन्वय को देखते हैं। मे हरित तरुणाम, देखिए यहाँ पर यहां से मे को लेकर, यहां से मे को लेकर सामने रख दिया गया है। मे हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणियाम समीर चालिता कुसुमावली बरनिया स्यात मिलिता नवमालिका रसालम रुचिरम संगमनम स्यात। तो इसका हिंदी अर्थ है, मेरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की सुंदर माला रमणीय हो, मैं मतलब मेरे हरित तरुणाम मतलब हरे पेड़ों के, ललित लताना मतलब सुंदर लताओं की, माला यानी सुंदर माला रमणीय मतलब रमणीय हो यानी सबको भा जाए, समीर चालिता मतलब हवा की चलाई हुई, कुसुमावली मतलब फूलों की पंक्ति, हवाओं की चलाई हुई फूलों की पंक्ति वरणिया हो यानी सभी उसको स्वीकारें, मिलिता नवमालिका रसालम, रसालम मतलब आम, नवमालिका और आम मिलकर एक सुचिरम संगमनम स्यात मतलब एक सुंदर संगम हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हवाओं से चलाई हुई या हिलाई हुई फूलों की पंक्ति वरणीय हो यानी स्वीकार्य हो, मिली हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम न कुर्यात् जीवित रसहरणम सुचि पर्यावरणम। इन पंक्तियों में कुछ नए शब्दों को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खग कुल कलरव मतलब खग कुला नाम कलरव यानी पक्षी समूह ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि यानी आवाज, कलरव मतलब आवाज, खग मतलब पक्षी, कुल मतलब समूह और कलरव मतलब आवाज, पक्षी समूह की आवाज। उसके बाद है चाकचिक्य जालम मतलब कृत्रिम प्रभावपूर्ण जगत यानी चकाचौंध भरी दुनिया, चकाचौंध भरी चमक दमक वाली दुनिया। अब इन पंक्तियों में क्या संधि विच्छेद है उसको देख लेते हैं। संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लंबा सब ठीक तो नहीं रहा है संधि विच्छेद बोल के, लेकिन है इसमें थोड़ा सा है। संभ्रमित जनेभ्यो इसमें जनेभ्य तो धृत सुख संदेशम, और है कुर्यात् जीवित रसहरणम, कुर्यात् हो गया कुर्यात् जीवित रसहरणम। अब इसका संस्कृत अन्वय देख लेते हैं। अये बंधो खगाकुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य सुखे सुख संदेशम धृत चाक चिक्य जालम जीवित रसहरणम न कुर्यात्। इस तरह यहाँ पर अन्वय बनाया गया है जिसका हिंदी अर्थ है, अये बंधु यानी अरे भाई या अरे मित्र अरे दोस्त, खग कुल कलरव यानी पक्षी समूह की आवाज से गुंजित वनदेशम चल मतलब पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चलो, पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्य सुख संदेशम धृतः
यानी शहर के शोरगुल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। सुख संदेशम धृतः, धृतः मतलब धारण करना। चाक चीके जालम जीवित रसहरणम न कुर्यात, यानी चकाचौंध भरी दुनिया को जीवन के रस को नहीं हरना चाहिए या चुराना चाहिए। हरणम मतलब हरना या चुराना। तो चकाचौंध भरी दुनिया को लोगों के जीवन रस को नहीं हरना चाहिए, नहीं चुरा लेना चाहिए। अगली पंक्तियों को देखते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः पाषाणि प्रभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टः मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सुचि पर्यावरणम। इन पंक्तियों में कुछ नए शब्दों के अर्थ हम लोग जान लेते हैं। प्रस्तर तले, प्रस्तर तले मतलब शिला तले, हिंदी में इसका अर्थ है पत्थरों के तल पर यानी पत्थरों के नीचे। लता तरु गुलमहाम यानी लताश्च तरवरश्च गुलमाश्च यानी लता वृक्ष और झाड़ियां। पाषाणी, पाषाणी यानी पर्वतमय यानी पथरीली, हिंदी में इसका अर्थ है पथरीली। निसर्गे, निसर्गे अर्थात प्रकृतियां यानी हिंदी में इसका अर्थ है प्रकृति में। अब इसमें क्या संधि विच्छेद है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नो भवंतु, न जोड़ भवंतु, स्यान न यानी स्याद जोड़ न, जीवन मरणम मतलब जीवत जोड़ मरणम। चलिए इसका अन्वय को देख लेते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा पिष्टा न भवंतु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्ट न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम न। कुछ इस प्रकार अन्वय बनाया गया है जिसका हिंदी अर्थ को देख लीजिए। प्रस्तर तले यानी पत्थरों के नीचे, लता तरु गुलमहा मतलब लता पेड़ और झाड़ी, पिष्टहा न भवंतु यानी न पीसे, पिष्टहा मतलब पीसना, पाषाणी सभ्यता यानी पथरीली सभ्यता निसर्ग यानी प्रकृति में समाविष्ट न स्यात् समावेश न हो, मतलब पथरीली सभ्यता प्रकृति में समावेश न हो। मानवाय जीवनम कामये जीवत मरणम न, कभी कहते हैं कि मानव जीवन की कामना करता हूँ न जीते जी मृत्यु की, मैंने शहर में रहकर जीते जी आदमी मर जाता है, उसे वहाँ कोई शांति नहीं मिलती है क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। इसलिए कभी कहते हैं सूचि पर्यावरणम यानी पर्यावरण को शुद्ध करें, साफ करें। भैया बहनों, हमें जितना हो सके अपने पर्यावरण को आसपास को साफ रखना चाहिए जिससे कि वातावरण दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, इससे मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। भारत माता की जय।